हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के लिए अमरीले से, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास ये पार्सल आया है, तो अभी इसे फटाफट से मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ पहले। यहाँ पे दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश नया कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अभी ये मार्केट में नया नया आया है, तो अभी ये इसका कहना है कि सॉफ्टवेयर में बंद हो गया है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए, हमारे पास भी एक बॉक्स है यहाँ पे देख सकते हो, सेम टू सेम। तो अभी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो लगाने के बाद यहाँ पे एक बार ऑन करके देखता हूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने ऑन किया है, तो अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाता हूँ तो कोई हमारा पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें दोस्तों सॉफ्टवेयर गलत कर दिया है और दूसरा इसमें हमें सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अभी तो हमें फिलहाल के लिए तो वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं सभी। तो पहले फर्स्ट 5 वोल्ट, तो अभी 5 वोल्ट में मिल रहा है। तो अभी 3.3 वोल्ट एक बार चेक कर लेता हूँ, तो ये वोल्टेज प्रेजेंट हमें मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई, 1.1 जो हम बोलते हैं एक कोर सप्लाई होती है, इससे ही हमारा ये प्रोसेसर ऑन होता है। तो अभी एक सप्लाई हमारी यहाँ पे है 1.8 वोल्ट, तो ये भी प्रेजेंट है। तो कोई बात नहीं, अभी दोस्तों यहाँ पे आईसी को निकल के सॉफ्टवेयर एक बार करते हैं। तो उस भाई ने हमें जो सॉफ्टवेयर दिया है उसका बैकअप लिया हुआ होगा उसने, तो अभी इसे बाहर निकालता हूँ आईसी को। अभी दोस्तों यहाँ पे आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ और आप हमें सॉफ्टवेयर, एलईडी का बोर्ड, MPG4 सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग में भेजना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नया बोर्ड, एलईडी का कोई भी कंपनी का चाहिए तो भी हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इसे बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे तो अभी प्रोग्राम करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्रामर है RT809F, तो इसमें मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से बिठा लेता हूँ पहले, और तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे जो हमारा RT809F को। तो अभी यहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देखे तो यहाँ पे देखे RT809F, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ये हमें यहाँ से रन करता हूँ, तो अभी यहाँ पे एक बार देख सकते हो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो अभी ऑन हो रहा है। तो अभी ऑन हो गया है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रोग्रामर कनेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमारा आईसी डिटेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 25Q LQ 0 32 32 यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी ये हमारा 32 MB का जो यहाँ पे 4 MB का ये फाइल है, तो अभी कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी इसे रीड नहीं करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे हमने रखा था सॉफ्टवेयर, मॉडल नंबर आपको मैं इसका दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए GX6605S2। अभी यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों
क्लिक कर लिया तो अभी राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पर ऑटो इरेजिंग हो रहा है। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो रहा है, अभी डिलीट होने देते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया जो सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट वेटिंग। तो थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, उसके बाद में हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा सेटअप बॉक्स ऑन होता है या नहीं। तो अभी प्लीज़ वीडियो को जो देख रहे हैं भाई वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो सारा सारा वीडियो आपके लिए हम लाते रहे। देखिए ये हमारा ओके हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं इसे बाहर निकालता हुआ इसी को यहाँ से आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो अभी आपके सामने ही यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आईसी को लगा लिया है। तो लगाने के बाद यहाँ पे इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा डिस्प्ले यहाँ पे रेड लाइट पे था और ओके हो रहा है या नहीं ये देखना है हमें। तो अभी दोस्तों एक बार यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। और अभी आपको मैं पूरा ऑन हो जाने देता हूँ। अभी दोस्तों फिलहाल मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे बदलना यहाँ पे पड़ेगा। तो हमारा डेस्कटॉप मोड में HDMI में है। तो स्पॉट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा टू पे सिलेक्शन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी मैं वायर भी जोड़ देता हूँ। अभी यहाँ पे अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और यहाँ पे अभी इसका लोगो कैसा आ रहा है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए अभी एक बार ऑन करता हूँ यहाँ से। तो अभी देखिए हमारा यहाँ पे जो बॉक्स है 100% ओके हो चुका है। और सॉफ्टवेयर का दिक्कत था। तो अभी आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।